क्राउन जूल के बाद पहला रॉ का एपिसोड जो कि WWE के अकॉर्डिंग काफी खास होने वाला है। कौन होगा बिगी के लिए न्यू अपोनेंट, डेमियन प्रीस्ट किसके साथ फ्यूड में होंगे, सेथ रॉलिंस, केविन ओवंस, फिन बैलर एज जैसे बड़े सुपरस्टार के लिए अब रॉ में क्या बड़ा होगा, जानेंगे सबके बारे में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बैल बजा के। अब आने वाले रॉ के इस एपिसोड से ड्राफ्ट कंप्लीटली एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार होंगे जो हमें स्मैकडाउन पर दिखते थे, लेकिन अब वो रॉ पर दिखाई दिया करेंगे। और जो रॉ पर दिखते थे वो इस एपिसोड में नहीं दिखेंगे, वो स्मैकडाउन में दिखा जाया करेंगे। बड़े चेहरों में से सेथ रॉलिंस, एज, केविन ओवंस और फिन बैलर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। रे मिस्टीरियो, डोमिनिक, टैग टीम भी शामिल हैं। देखना होगा कि WWE इन सुपरस्टार के लिए रॉ में क्या बड़ा करवाती है, क्या इनका आना रॉ के लिए फायदेमंद रहेगा, वो आने वाला टाइम ही बता पाएगा। शुरुआत करें कीथ ली से, तो ये ऑफिशियली अब रॉ पर आ चुके हैं। हालांकि काफी लंबे टाइम से ये वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे कि दिखने चाहिए थे। अब उम्मीद है कि वो इस एपिसोड में दिखेंगे और आके वो किसी के खिलाफ स्क्वैश मैच खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें जाहिर सी बात है वो जीत दर्ज करते दिखाई देंगे। WWE उन्हें यहां जितवा के शायद थोड़ा पुश देने की कोशिश करेगी। अब उनको पुश मिलने के रूमर्स आ रहे हैं, अब ऐसा होगा या नहीं, WWE ऐसा करेगी या नहीं, वो आने वाला टाइम बताएगा। वैसे भी कीथ ली काफी टाइम से टीवी से ऑफ चल रहे हैं। बात करें रॉ वुमेन्स चैंपियन बैकी लिंच की, तो सऊदी अरेबिया में हुए क्राउन जूल इवेंट में उन्होंने साशा बैंक्स और बियांका ब्लेयर को हरा के अपना टाइटल रिटेन कर लिया था। उसके बाद वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में शार्लेट फ्लेयर से टाइटल इंटरचेंज कर लिए गए थे। अब बैकी लिंच और बियांका ब्लेयर सेम ब्रांड में हैं और इनके बीच स्मैकडाउन पर भी हमें फ्यूड चलती हुई दिखाई दे रही थी। तो लग रहा है कि WWE इनकी फ्यूड रॉ पर भी कंटिन्यू करेगी, जिसके बाद हो सकता है कि फैंस को इनके बीच फिर से सिंगल मैच देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो उम्मीद है कि इस एपिसोड में इनके बीच जबरदस्त प्रोमो वॉर या झड़प वगैरह दिखाई दे सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि मैच इनके बीच होगा तो कब होगा। लग रहा है कि WWE रॉ के किसी एपिसोड में ही दिखाएगी, क्योंकि नवंबर में सर्वाइवर सीरीज है और दिसंबर में जैसा सुनने में आया है कि कोई पीपीवी शायद नहीं होगा। अब आ जाते हैं US चैंपियन डेमियन प्रीस्ट पर। तो अब टाइम आ गया है डेमियन प्रीस्ट की नई फ्यूड शुरू करी जाए टाइटल के लिए। अब ये किसके साथ होगी वो कहना अभी काफी मुश्किल है, बट हो सकता है कि ड्राफ्ट में स्मैकडाउन से रॉ में आए अपोलो के साथ WWE में भी डेमियन प्रीस्ट की फ्यूड शुरू कर दे। रीजन साफ है, अपोलो एक टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की फ्यूड में स्मैकडाउन में दिखाई दे रहे थे, तो हो सकता है कि WWE रॉ ब्रांड में उन्हें भी डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ डाल दे। एक तो वो हील सुपरस्टार हैं और उनके साथ उनके कमांडर अजीज भी होंगे। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं, अगर हुआ तो ये आने वाले टाइम में मिड कार्ड के लिए सॉलिड फ्यूड दिख सकती है। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स स्मैकडाउन से रॉ पर ड्राफ्ट हो चुके हैं। वहीं लास्ट वीक रॉ ब्रांड पर हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस आरके ब्रो के बीच टैग टीम मैच दिखा था, जिस दौरान एजे स्टाइल और ओमास ने आरके ब्रो पर तो अटैक करा ही था, साथ में स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर भी अटैक करा था, जिसके बाद आने वाले इस एपिसोड के लिए इनके बीच मैच टीज कर दिया गया है, जो कि शायद फॉर्ड वर्सेस एजे स्टाइल के बीच देखने को मिल सकता है। अब अगर ऐसा कोई मैच दिखा तो रिंग साइड ओमास और डॉकिंस दोनों मौजूद होंगे, जिस वजह से इनके बीच मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि WWE नहीं चाहेगी कि इस स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट एप्लीकेबल होने के बाद पहले एपिसोड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स की हार होती दिखाई दे। वहीं देखना यह भी इंटरेस्टिंग होगा कि अब रॉ ब्रांड पर रॉ टैग टीम टाइटल के लिए आरके ब्रो के अपोनेंट कौन होते हैं। वहीं लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में मंसूर ने हर्ट बिजनेस के सेड्रिक अलेक्जेंडर को हराया था। ये सब क्राउन जूल से पहले मंसूर को हाइप देने के लिए था और इवेंट में उन्होंने अली को भी हरा दिया था, तो अब वो काफी ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आने वाले इस एपिसोड में शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर मंसूर से अपनी हार का बदला लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हो सकता है कि दोनों मिलके बैक स्टेज मंसूर पर बुरी तरह अटैक कर दें। अब WWE अटैक ऐसा दिखाएगी जिसके बाद मंसूर टीवी पर ना के बराबर दिखा करेंगे, मतलब कि WWE उन्हें बहुत बहुत ज्यादा कम टाइम टीवी पर देगी। ये सब क्राउन जूल की हाइप बनाने के लिए था जो मंसूर WWE में दिखाई दे पा रहे थे। अब केविन ओवंस रॉ में ड्राफ्ट हो चुके हैं। अब केविन ओवंस स्मैकडाउन पर लगातार हैप्पी कॉर्बिन से मार खाते हुए काफी वीक से दिखाई दे रहे थे।
अब देखना होगा कि WWE उनके साथ रॉ में क्या करने वाली है। अब हो सकता है कि केविन ओवंस यहाँ किसी के साथ रैंडम सेगमेंट में दिखाई दें, जो कि शायद ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ हो सकता है। वहीं ऑस्टिन थ्योरी जो पिछले कुछ टाइम से रॉ ब्रांड पर जेफ हार्डी को हराते हुए और उन पर अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि WWE केविन ओवंस में स्मैकडाउन की तरह मार खाती हुई दिखाती है या केविन ओवंस को इस एपिसोड में अपर हैंड देती है। वहीं हम बात कर लेते हैं WWE चैंपियन बिगी के बारे में। तो क्राउन जूल में उनके अपोनेंट ड्रू मैकइंटायर अब स्मैकडाउन में दिखेंगे। तो सवाल यह है कि बिगी का नेक्स्ट चैलेंजर या अपोनेंट कौन होगा WWE चैंपियनशिप के लिए। अब हाल ही में WWE ने इंस्टाग्राम पे फैंस को बिगी के नेक्स्ट अपोनेंट को चूज करने के लिए कहा था, जिसमें उन्होंने चार ऑप्शन दिए थे, सेथ रॉलिंस, एज, केविन ओवंस और फिन बैलर। अब बिगी का नेक्स्ट अपोनेंट इनमें से ही होगा या WWE ने केवल फिरकी ली है, वो आने वाले इस एपिसोड में शायद पता चल जाएगा। वैसे देखा जाए तो बिगी फेस सुपरस्टार हैं और WWE ने जो ऑप्शन दिए हैं उसमें केवल एक हील सुपरस्टार है, जो कि सेथ रॉलिंस हैं। तो क्या बिगी वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच फ्यूड दिखाई दे सकती है, वो टाइम बताएगा। वही आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर कर दूं, जैसा कि नवंबर के महीने में सर्वाइवर सीरीज होने वाला है, जिसमें आप जानते हैं कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के बीच शो देखने को मिलता है। इट मींस रॉ में या स्मैकडाउन में जो फ्यूड दिखेंगी उनके साथ साथ WWE सर्वाइवर सीरीज के लिए चैंपियन वर्सेस चैंपियन फ्यूड की भी शुरुआत कर देगी, मतलब कि हाइप बनाना शुरू कर देगी। वहीं टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन के लिए भी WWE या तो टीम्स डायरेक्ट सेलेक्ट करेगी, नहीं तो फिर क्वालिफाई मैच करवा सकती है, जो मे बी इस एपिसोड से दिखना शुरू हो जाए। अब रूमर्स ऐसे थे कि WWE इस एपिसोड को खास बनाने वाली है, हालांकि पहले से कुछ भी WWE ने इस एपिसोड के लिए अनाउंस नहीं करा है, तो देखना होगा कि कैसे खास बनाती है। वहीं देखना इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि स्मैकडाउन से आए सुपरस्टार को WWE रॉ ब्रांड में किसके सुपरस्टार के खिलाफ फ्यूड में डालती है। अब तो बाप बेटे की जोड़ी मतलब कि रे मिस्टीरियो डोमिनिक भी रॉ ब्रांड का पार्ट बन चुके हैं, देखते हैं कौन कहां और कैसे फिट करा जाता है। वहीं देखना यह भी इंटरेस्टिंग होगा कि बॉबी लैशले जैसे डोमिनेट सुपरस्टार के लिए अब रॉ में आगे क्या है। तो फ्रेंड ये था आने वाले रॉ के एपिसोड का प्रीव्यू। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।